हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम जो कंटिन्यू कर रहे थे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उस पर हमारी लगभग 3 वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर टू एंड आपका है डे नंबर 1। यूनिट नंबर 2 का पहला दिन है। तो यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या है? तो यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका मानव और वातावरण के बीच गत्यात्मक संबंध। मतलब मनुष्य और वातावरण, इसके बीच में संबंध क्या है और अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों पर मानव का किस टाइप से संबंध रहा है प्रकृति के साथ। और इस चीज को लेकर के कई सारे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं कि मानव का इस तरीके से संबंध है, मानव का इस तरीके से संबंध है। कहीं पर कहा गया है कि मानव ज्यादा पावरफुल है, कभी जो है प्रकृति ज्यादा पावरफुल है। अलग अलग कॉन्सेप्ट बने हैं और उस हिसाब से अलग अलग जगहों पर बात की गई है। लेकिन अगर हम नॉर्मल रूप में बात करें, अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर मानव और जो प्रकृति है या वातावरण है हमारा, इससे संबंध है भी या नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो मानव और पृथ्वी के बीच में बहुत गहरा संबंध है। मानव और वातावरण के बीच में बहुत गहरा संबंध है। मतलब एक दूसरे पर एक तरीके से कह सकते हैं आश्रित है, कि बिना पर्यावरण के मानव का जीवन संभव नहीं है। और अगर मानव ही नहीं है तो फिर पर्यावरण का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो है तो है, क्या मतलब है? अगर कोई है ही नहीं उस चीज का यूज करने वाला तो फिर ऐसे पर्यावरण का क्या मतलब? तो वातावरण और मानव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और मानव के जीवन का असर वातावरण पे पड़ता है और वातावरण का असर मानव के जीवन पर पड़ता है। और ऐसा हम प्राचीन समय से देखते चले आ रहे हैं। प्राचीन समय से आपने देखा होगा कि मनुष्य का जीवन उसके वातावरण, उसके भूगोल, उसके जो आसपास की एनवायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसका जीवन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसके जीवन यापन के तरीके होते हैं, बोल चाल, बॉडी के स्ट्रक्चर्स उस मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। और आपने ये भी देखा है कि मनुष्य ने अपने हिसाब से कई जगह के पूरे वातावरण को ही बदल के रख दिया है, पर्यावरण को ही बदल करके रख दिया है। उसके काम करने का जो फंक्शन का तरीका था वो तरीका ही चेंज कर दिया है। ऐसी भी चीजें आपको सामने देखने को मिलती है। तो अगर मानव समाज को देखोगे तो मानव समाज उस जगह पर ज्यादा फला फूला है जहां पर मानव अपने प्रभाव का यूज ज्यादा कर सकता था। मतलब अपनी जो पावर्स है मानव की उसका ज्यादा यूज जहां कर सकता था मनुष्य वहां ज्यादा फला फूला है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देख लो, मानव सबसे ज्यादा किस एरिया में पाए जाते हैं? मानव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मैदानी भागों में, क्योंकि मैदानी भागों में मानव जीवन के लिए जो तरीके हैं या मानव जीवन के लिए जो मानव एफर्ट लगा सकता है या मानव का पावर जहां पर ज्यादा उभर करके आ सकता है वो मैदानी भाग है। क्योंकि मैदानी भाग में मानव को अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए सिंचाई करना हो तो नदियां हैं, कृषि करनी हो तो खेती है, उपयोग कर मतलब उद्योग लगाना हो तो उसके लिए भी जगह है, मटेरियल है। अगर आपको वाहन चलाना है या यातायात है तो उसके लिए भी जो है प्लेन सरफेस है कि चल सकते हैं। तो मैदानी भाग ऐसा भाग रहा है जहां पर सदा से ही प्राचीन समय से ही सभ्यताएं जन्मी है, फली फूली है। चाहे वो दुनिया की कोई भी सभ्यता उठा करके देख लोगे, वो मैक्सिमम सभ्यताएं कहां पर? मैदानी भागों में ही फली फूली है जहां पर नदियां बह रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवन यापन करना आसान है। इन कंपेरिजन आप जाओगे किसी जो ऐसे जगह पर चले जाओगे जो क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा टफ है सिचुएशन, जैसे आप अगर बात करोगे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप चले जाओगे तो वहां पर जीवन मतलब मनुष्य का जीवन काफी टफ हो जाता है। लेकिन अगर मैदानी भागों में देखोगे तो दुनिया की 70% से ज्यादा जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि यहां पर जीवन यापन काफी आसान हो जाता है ना, जीवन यापन काफी अच्छी हो जाती है और मानव यहां पर अपनी पावर्स का, अपनी शक्तियों का ज्यादा प्रयोग कर सकता है और अपने प्रभाव से, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग चीजों को अपने हिसाब से ढाल सकता है। तो मानव का जो यहां पर संबंध है प्रकृति के साथ या वातावरण के साथ वो ज्यादा गहरा है और यहां पर मानव कहीं ना कहीं प्रकृति पर थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखाई देता है, पर्यावरण वातावरण पर ज्यादा भारी दिखाई देता है मानव। जबकि इसी के उल्टा अगर आप देखोगे तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां का आप अगर एनवायरमेंट का जायजा लोगे या वहां के लोगों का, वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन पद्धति को देखोगे तो आपको लगेगा यार दिस आर द डिफरेंट पीपल। आज भी वहां पर देखोगे तो आज भी वहां पर लोग हजारों सालों के जो पुरानी चीजें थी या पुराने तरीके से जैसे लोग रहते थे उनका जीवन आज भी वैसे ही है, उनके जीवन में कोई अमूल चूल परिवर्तन नहीं आया है। और यह इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर शायद टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, शायद उद्योग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, लोगों प्रकृति पर मानव का कंट्रोल उतना नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर स्थिति ही इस टाइप की है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है,
मतलब हर एक चीज की सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है, ना उस चीज को डेवलप किया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति का पावर कह सकते हैं वो ज्यादा है मनुष्य से, मनुष्य की पावर वहां पर चलती नहीं है, तो इसलिए वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वहां पर बहुत कम लोग जा रहे हैं जो वन्य चीजों की जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, या फिर कुछ खनन करना है, चीजें निकालनी है, तो मतलब बहुत बड़े फोर्स को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जितना एफर्ट लगाया जा रहा है उस हिसाब से दोहन नहीं किया जा सकता है। तो उष्णबंधीय जो क्षेत्र है वहां के जो लोग हैं वो छोटे कद के, काले जो है, बॉडी सुडोल टाइट बॉडी, आंखें छोटी छोटी, जो नाक है वो चपटी नाक वाले, फुर्तीले किस्म के लोग होते हैं, जो कि वन्य जीव जंतुओं पर आधारित होते हैं, वन्य चीजों पर, फल फूल कंदमूल पर आधारित है जीवन उनका, शिकार करते हैं जानवरों का, मछली पकड़ते हैं, इन्हीं सबसे उनका जीवन चल रहा है। तो मतलब एक तरीके से बहुत डिफिकल्ट सा जीवन है, और उस जीवन शैली में वहां पर सर्वाइव करना ही इतना ज्यादा टफ है कि वही मुश्किल हो जा रहा है। तो वहां पर चेंज करना इतना आसान नहीं है, तो वहां पर इसीलिए आज डेवलपमेंट भी नहीं है और लोग वहां पर रहना भी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसे हैं पृथ्वी पर जहां पर मनुष्य ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, कुछ ऐसे जगह है जहां पर मनुष्य कम पावरफुल दिखाई देता है, वातावरण ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, और इन्हीं दोनों के बीच में कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी चलती है, कौन किसके हिसाब से चेंज होता है, इस पर डिबेट सदा से चलता आ रहा है और आगे समय में भी ये चलता ही रहेगा। और इस चीज पर कई सारे कॉन्सेप्ट आए, जैसे कि कॉन्सेप्ट आया नॉन निश्चयवाद का कॉन्सेप्ट आया, संभववाद का कॉन्सेप्ट आया, प्रसंभववाद का कॉन्सेप्ट आया, जो सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, और भारतीय संस्कृति का इस पे क्या नजरिया है वो सारा कुछ हमको आने वाले वीडियोस में आपको देखना है। तो आई होप आज आपको ओवर चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या चीजें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, कि मनुष्य और वातावरण के बीच में किस तरीके से संबंध स्थापित किया जा सकता है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।